पढ़ेंगे नील की खेती कैसे होती है ग्रामीण शासन चलाने के अंतर्गत। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि इस नील की उपयोगिता ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति में कितनी होती है या ब्रिटेन में नील का आयात कैसे बढ़ता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। आप देखिए यहाँ पर लिखा है 1788 में ब्रिटेन में आयात नील के रूप में ओनली 30% रहता है और 1810 आते आते इस आयात की वृद्धि जो है 95% हो जाती है। और ये नील किसकी है ये जानने की कोशिश करिए, भारत की। इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि 1786 में अमेरिका क्या होता है स्वतंत्र हो जाता है और अमेरिकी उपनिवेश से आने वाला नील बंद हो जाता है तो भारत की नील पहुंचती है और मात्र देखिए कितना है, करीब करीब 22 साल में 3 times बढ़ जाता है। तो यहाँ पर बागान मालिक नील के व्यापार में या नील की खेती के व्यापार में लाभ कमाना चाहते हैं और वो लाभ कृषि के रूप में होता है। और भारत में नील की खेती मुख्यतः 2 प्रकार से होती है, एक निज खेती के रूप में और दूसरा रैयती खेती के रूप में। निज खेती पर हम पहले फोकस करते हैं। इसमें क्या है, टोटल होल सोल जो है वो बागान मालिक होता था, अपनी ज़मीन पर नील की खेती करता था, करवाता था और अगर उसे भूमि कम पड़ती थी तो वो जमींदारों से भूमि किराए पर लेता था और नील की खेती करता था। लेकिन शुरुआती चरण में क्या है, बागान मालिक को फायदा हुआ लेकिन समस्याएं इसमें आने लगती हैं। इसलिए 19th century में जब एनालिसिस की जाती है कि रैयती भूमि का कितना हिस्सा है और निज खेती का कितना हिस्सा है नील के उत्पादन में, तो ओनली 25% इसका योगदान आता। तो कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम जानते हैं। पहले है खेती का क्षेत्रफल बढ़ाना कठिन था। इसके पीछे लॉजिक या तर्क ये है कि भले ही ब्रिटिश शासन हो लेकिन खेत किसके हैं, कृषक के हैं और कृषक से जब वो बेचना चाहेगा तब आप खरीद सकते हैं, अन्यथा ज़बरदस्ती करेंगे जो रिहोल्ट या विद्रोह का कारण बन सकता है। दूसरा है बैलों का समय पर न मिलना। नील की खेती में बैलों की उपयोगिता है। टेक्स्ट बुक ये बताती है कि 1000 बीघे में अगर नील का एग्रीकल्चर करना है तो 2000 हमें बैलों की आवश्यकता है और वो मिल नहीं सकता क्योंकि उसी के साथ धान की खेती भी भारत में लगाई जाती है और धान और नील की खेती खरीफ की फसल है भारत में। इसलिए क्या है, बैल समय पर नहीं मिल सकते और इतने बैलों को रखना बागान मालिक के लिए एक चैलेंजिंग वर्क है। तीसरा है धान के समय का साथ में साम्य होना। मैंने बता दिया दोनों फसल एक साथ हैं, बैल इसके लिए भी ज़रूरी है, बैल इसके लिए भी ज़रूरी है, मजदूर इसके लिए भी ज़रूरी हैं, मजदूर धान की खेती के लिए भी ज़रूरी हैं। तो समस्याएं यहाँ रहती हैं, इसलिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है, घटने लगता है। बागान मालिक निज खेती को छोड़ करके दूसरी ओर स्थानांतरित होता है और दूसरी खेती को हमने आपको बताया है रैयती खेती के रूप में या अनुबंधित खेती या कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीकल्चर के नाम से हम जानते हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो बागान मालिक और फार्मर के मध्य होता है। इस अनुबंध में क्या है, जो बागान मालिक का पक्ष होता है वो अपनी तरफ से क्या है, एडवांस धनराशि देता है, बीज देता है, सीड्स देता है, टूल्स देता है, उपकरण देता है, जबकि कृषक से वो चाहता क्या है कि अपनी कुल भूमि का 25% क्या है आपको नील की खेती में यूज करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप इसके लुक आफ्टरिंग करें। यहाँ लुक आफ्टरिंग करने का मतलब निराई करिए, गुड़ाई करिए, कटाई करिए, ये सारी चीज़ें कृषक के पहलू में हैं। अब है क्या,
कि शुरुआती चरण में भारतीय कृषकों को ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसको अग्रिम धनराशि मिल जाती है जिससे वो धान की खेती और नील की खेती दोनों में पैसा निवेश कर सकता है। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीतते हैं उसको इसकी बुराई पता चलने लगती है, क्योंकि नील का जो पौधा होता है वो डेप्थ में जड़े जाती हैं और भूमि की उत्पादकता को क्या है निकाल लेती हैं, तो उस पर धान की खेती और अगले साल नील की खेती करना क्या है थोड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए जो बागान मालिक है वो ये चाहता है कि हर साल फसल नई भूमि पर बोएं। और भी इसमें प्रॉब्लम है कर्ज चक्र का होना। कर्ज चक्र का मतलब यह है कि जैसे ही एक फसल कट करके पैसा पेमेंट हो जाता है, बागान मालिक दूसरी फसल के लिए उसी कृषक को क्या है एडवांस धनराशि दे देता है। कहने का आशय है कि एक कर्ज से आप अभी उतरे नहीं हैं, दूसरा कर्ज आप पर हावी हो जाता है, चढ़ जाता है। इसे हम ऋण जाल या कर्ज बोझ या कर्ज चक्र के नाम से हम जानते हैं। दूसरी तरफ इसमें बुराई यह है कि सबसे अच्छी भूमि की चाह बागान मालिक ये चाहता है कि फार्मर हर साल कृषक योग्य भूमि या कृषि योग्य भूमि को चेंज करते रहिए, रोटेशन करते रहिए, तब नील का उसको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। यहीं तीसरी बुराई रहती है कीमत बहुत कम। जब फसल पक जाती है बेचने की दशा में आती है तो बागान मालिक जान करके देरी करता है फसल डैमेज ना हो, इसलिए कृषक क्या है उसको कम दामों पर बेच देता है। इससे कृषक की स्थिति अच्छी नहीं होती है। और चौथा मैंने बताया धान की खेती पर बुरा प्रभाव। इसमें तीन पहलू हैं। पहला पहलू है कि धान की खेती में मजदूर चाहिए और मजदूर नील की खेती में भी चाहिए। दूसरा धान की खेती के लिए बैलों की आवश्यकता है और नील की खेती के लिए भी बैलों की आवश्यकता है। और इसी प्रकार से क्या है धान की खेती में पानी की आवश्यकता है और इस नील की खेती में भी इसकी आवश्यकता है। तो दोनों चीज़ें क्या हैं दो डायरेक्शन में मांगती हैं, इसलिए इस खाद्यान्न फसल पर बुरा असर पड़ता है। और किसी भी सामान्य व्यक्ति से पूछा जाए तो पहले वो खाद्यान्न फसल पर आत्मनिर्भर होना चाहता है, उसके बाद आपको कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसल पर यानी नील की फसल पर वो अपना प्रभाव कायम करना चाहता है। इस प्रकार से देखेंगे कि दोनों में ही ना तो कृषक को संतुष्टि मिल रही है, इसलिए आगे चल करके आप देखेंगे कि भारतीय कृषक भारतीय जनमानस इस नील की खेती से क्या है हाथ पैर पीछे करता है, ज़बरदस्ती कराने का प्रयास किया जाता है और नील रिहोल्ड होता है जिसे हम इंडिगो रिहोल्ड के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे नील विद्रोह। धन्यवाद।